खबर जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा से है। खटीमा की नगर भारत नेपाल सीमा पर स्थित मेघा घाट बाजार में बिना डिग्री डिप्लोमा तथा बिना अवैध रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के अवैध रूप से पॉलिथीन व मेडिकल स्टोर का संचालन किया जा रहा है। अव्यवस्थित और गंदगी से भरे कमरों में मानकों को ताक पर रखकर की जाती है जाँच। आपको बता दें कि सीमा पर बिना डिग्री डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के पैथोलॉजी और मेडिकल चल रहा है तथा उसी की आड़ में अवैध तरीके से प्रैक्टिस भी की जा रही है और जिसके एवज में नेपाली मरीजों और स्थानीय मरीजों से मनमाना शुल्क वसूला जाता है और वहीं इनके द्वारा गलत रिपोर्ट और गलत दवाई देने की वजह से कभी कभार दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। गौरतलब है कि सीमा पर नेपाली नागरिकों का आना जाना ज्यादा रहता है। नागरिकों इसलिए सीमा पर इस प्रकार से अवैध रूप से दुकानें फल फूल रही है और वहीं स्थानीय मरीजों और नेपाली मरीजों को आकर्षित कर मोटी रकम वसूल की जाती है और आए दिन मरीजों की जान भी जोखिम में डालते रहते हैं। इस प्रकार सीमा क्षेत्र में अनेकों पैथोलॉजी मेडिकल स्टोर और प्रैक्टिशनर बिना लाइसेंस और पंजीकरण के अवैध रूप से संचालन कर रहे हैं। वहीं इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उप जिला चिकित्सालय खटीमा की डॉक्टर सुषमा नेगी ने बताया कि हमारे द्वारा लगातार इस प्रकार के अवैध लेबों पर कार्यवाही की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग के फील्ड वर्करों के माध्यम से उनके डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए हैं। अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना अवैध लाइसेंस पंजीकरण और डिग्री डिप्लोमा के कोई भी इस तरह का कार्य नहीं कर पाएगा। जो है सब पेपर चेक कराएं तो उसमें जो जिनके जो रजिस्टर्ड होंगे पंजीकृत होंगे उन्हीं के को बैठने की होगी और बाकी का रजिस्टर कार्रवाई के लिए किया जाएगा। नहीं, लैब चलाने का अपना एक है जिसमें कि वो डॉक्टर होना चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, तब वो चला सकते हैं। जो बिना नाम बिना डिग्री चलाएगा वो नॉट रजिस्टर्ड। नहीं तो हम कार्रवाई तो नहीं चल रही है अभी, आजकल मैंने पता करवाया है, वो आ जाके देखेंगे, जमा करेंगे, नहीं होगा तो फिर उसकी क्या कार्रवाई करवाएंगे।